हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम अक महादेवी द्वारा रचित कविता की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। अक महादेवी जो हैं कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और इन्होंने हे भूख मत मचल ये कविता जो लिखी है इसकी व्याख्या भी करेंगे और इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले वचन में कवयित्री ने भूख प्यास क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है। दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव है। कवयित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, उसे खाने के लिए भीख तक भी ना मिले। शायद भीख भी ना मिले तो वह संसार से मुक्त हो जाए, यानी संसार के बंधन से छूट जाए। पहला वचन, हे भूख मत मचल प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। शब्दार्थों में पहले कठिन शब्द बता रही हूँ। मचल यानी पाने की जिद करना। पाश का मीनिंग है बंधन। ढील यानी ढीले कर। मद यानी नशा। मदहोश यानी नशे में पागल। चराचर यानी जड़ और चेतन संसार। चराचर किसको कहा है? इस जगत को चराचर कहा है। जड़ और चेतन का मतलब कुछ चीज़ें जड़ हैं और कुछ चेतना से भरपूर हैं, यानी संसार को जड़ और चेतन कहा है। चूक यानी भूल। चन्न मल्लिकार्जुन यानी शिव। चन्न मल्लिकार्जुन कौन है? यहाँ शिव जी भगवान हैं। प्रस्तुत वचन कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री अक महादेवी द्वारा रचित है। अक महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थी। वे संसारिकता त्याग कर शिव की आराधना में लीन होने का संदेश देते हुए कहती है, हे भूख हे सांसारिक वस्तुओं की चाह तू कुछ पाने के लिए मत तड़प, हे सांसारिक प्यास तू मन में और पाने की तृष्णा मत जगा। यानी संसार की प्यास को क्या कह रही है कि मुझे और कुछ पाने के लिए मेरी प्यास को मत बढ़ाओ, कि मुझे ये सामान चाहिए वो चाहिए। यह सांसारिक तृष्णा क्या है? भौतिक वस्तुओं की इच्छा जो है वह सांसारिक तृष्णा है। इन पंक्तियों में कवयित्री ये कह रही हैं कि हे भूख और हे प्यास तुम रुक जाओ, मुझे कुछ और पाने के लिए मत तड़पाओ। हे नींद तू सोने के लिए मुझे मजबूर ना कर। नींद को भी संबोधित करके कह रही हैं कि तू मुझे सोने के लिए मजबूर ना कर। तू मन में उथल पुथल और हलचल ना मचा। हे मोह अपने मोह को संबोधित कर रही हैं। तू अपनी जकड़ ढीली कर, यानी मुझ में जो मोह का बंधन जो है मैं बंध चुकी हूँ उस बंधन में, मुझे तू उससे अपनी जकड़ से ढीला कर दे, छोड़ दे। तू और अधिक ना ललचा, यानी मुझे अपने लालच में मत फंसा। तू और अधिक पागल ना बना, तुमने जो मुझे पागल बना रखा है मोह में नींद में भूख में प्यास में, तो तुम मुझे और पागल मत बनाओ। हे ईर्ष्या तू अन्य लोगों की उन्नति से ना जला। ईर्ष्या को भी संबोधित करके कह रही हैं कि और लोग जो उन्नति कर रहे हैं मैं उससे जलूँ नहीं, यानी मेरे भीतर जो संसार से जुड़े हुए सभी तत्व हैं वो समाप्त हो जाएं। अन्य शब्दों में कवित्री कहती हैं, ओ जड़ और चेतन संसार तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है, तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दो। पूरे संसार के सभी अचर और चर प्राणियों को वो कह रही हैं कि तुम अपनी शिव जी की भक्ति में लग जाओ। मैं सबके लिए चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव का भक्ति संदेश लेकर आई हूँ, अतः सांसारिकता छोड़कर स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो।
कवित्री शिव की आराधना के लिए संसार का पूर्णतया त्याग करना चाहती है, यहाँ तक कि भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ सब ईर्ष्या सब को भूल करके वह शिव जी के ध्यान में लगी हुई हैं और लोगों को भी उसकी सलाह दे रही हैं। वह लोगों को काम क्रोध रूपी 6 शत्रु होते हैं, षडरिपु यानी 6 तरह के शत्रु होते हैं, उन सब से दूर रह करके शिव जी की भक्ति में लगने की सलाह देती हैं। इस पंक्तियों में मानवीयकरण अलंकार है। भूख प्यास नींद क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या को मानवीयकरण करके प्रस्तुत किया गया है। कवयित्री की संबोधन शैली के कारण कविता बिल्कुल सजीव बन गई है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री भूख प्यास क्रोध मोह आदि से क्या प्रार्थना करती है और क्यों? कवयित्री भूख प्यास क्रोध मोह आदि से प्रार्थना करती हैं कि वे सांसारिक कष्ट उसे ना दें, उसे इन सब दैहिक और मानसिक विकारों से दूर रखें। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री किस अवसर से ना चूकने की प्रेरणा देती हैं? कवयित्री अपने आराध्य के चरणों में लीन होने के अवसर से ना चूकने की प्रेरणा देती हैं। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री किसके प्रति समर्पित हैं? कवयित्री अपने आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं। दूसरा वचन शुरू कर रहे हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कवि कवयित्री ईश्वर को संबोधित करते हुए इन पंक्तियों में कहते हैं, हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, भीख मांगते मांगते मैं अपना घर मकान गृहस्थी सांसारिकता सबको भुला दूं, और ऐसा हो जाए कि मैं अगर किसी के सामने झोली भी फैलाऊं तो मुझे कोई भीख ना दे, और अगर कोई भीख देने के लिए भी तैयार हो तो भी वह नीचे गिर जाए और मैं जब उसे झुक कर उठाऊं तो कोई कुत्ता झपट कर उसे ले जाए, मैं लाचार हो जाऊं, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए और मेरे अंदर जो मैं है अहम है वो गल जाए, तभी मैं आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो सकती हूँ। इन पंक्तियों में कवयित्री सांसारिक पदार्थों को भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग से भटकने का मूल कारण मानती हैं, यानी कि वो 6 जो कारण बताए थे, भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद और ईर्ष्या, इन सब से इनको कारण बता रही है कि हम जब हमारे अंदर ये सारे कारण मौजूद हैं तो हम ईश्वर की राह पर कभी भी नहीं चल पाएंगे, और इन सब कारणों से वह बिल्कुल बचकर के लाचार हो जाना चाहती है ताकि उसे ईश्वर की ही याद आए और वह ईश्वर के प्रति समर्पित हो सके। इन पंक्तियों में ईश्वर के लिए जो उसने जूही के फूल की उपमा दी है बहुत ही मनोरम है। भीख ना मिलने, झोली फैलाने, भीख नीचे गिरने, नीचे झुकने और कुत्ते के द्वारा झपट लिए जाने वाले बिंब बहुत ही प्रभावी बने हैं। अपना घर यहाँ अहम का और मैं भाव का प्रतीक है। आज ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, कवयित्री हर तरह के कष्ट क्यों उठाना चाहती है? कवयित्री हर तरह के कष्ट इसलिए उठाना चाहती है ताकि वह सांसारिकता से मुक्त हो जाए और उसे अंत में ईश्वर की शरण मिले। दूसरा प्रश्न है, यहाँ अपना घर भूल जाने का क्या आशय है?
अपना घर भूल जाने का आशय यहाँ घर गृहस्थी के सांसारिक झंझट हैं, संसार को ही सच मानने का भ्रम है।